हेलो फ्रेंड्स, आज है अपने पास इजी रैक 3.0 और 24 वोल्ट का टोल कन्वर्टर और टैबलेट और एक्सटैक का सॉफ्टवेयर। ये डिवाइस है, ये 24 वोल्ट में भी चलेगा एंड 12 वोल्ट की कार्स में भी चलेगा, ट्रक्स के लिए भी है, कार्स के लिए भी है। दिस इज़ अ 24 वोल्ट कन्वर्टर। हियर यू कैन सी 12 वोल्ट वोल्टेज एंड हियर एम्पियर। ओके, नाउ आई कनेक्ट दिस विथ 12 वोल्ट एडेप्टर। This is connected. Here you can see 11.6 voltage. Okay. Now I connect this device. Easy diag. When connected easy diag, you can see here voltage 11.2. Device is connected. Okay. अभी हम application open करेंगे। एक्स डायग, सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा, तो लॉगिन के लिए आप इधर ये तीन बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल, यहाँ पे लॉगिन, नेट चालू कर लेना है। ठीक है, नेट कनेक्टेड है अभी, यहाँ पे ये लॉगिन कर लिया मैंने, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, फिर यहाँ पे अपडेट। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, लेकिन अगर आपको अपडेट करना है तो जैसे कि मैं एक गाड़ी यहाँ से महिंद्रा इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रक भी एक्टिवेट करके रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक, अशोक लेलैंड एंड अपडेट, ये डाउनलोड हो गया है। ओके, तो ऐसे आप सभी गाड़ियों को अपडेट कर सकते हैं, ट्रक को भी और कार्स को भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्रक का सॉफ्टवेयर कहाँ दिखेगा और कैसे इसको चेक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला है डोमेस्टिक, फिर यूरोप, एशिया, एशिया में आप मारुति इंडिया और महिंद्रा इंडिया एंड टाटा इंडिया। ठीक है, फिर ये चाइनीज़, सो चाइनीज़ कार्स हैं। फिर ये रिसेट बटन, आप यहाँ पे रिसेट के सभी ऑप्शंस दे सकते हो। फिर बाद में आता है HD, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अशोक लेलैंड, बेंज, यहाँ पे फिर डेल्फी का है और सबसे मेन चीज कमिंस का। टाटा हैवी ड्यूटी और बचा महिंद्रा गाड़ी और आइशर। ठीक है, महिंद्रा गाड़ी को आप बॉस के अंदर भी स्कैन कर सकते हो, ओबड़ी के अंदर यहाँ पे भी स्कैन कर सकते हो और बॉस भी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये रहा बॉस डीजल, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ओबीडी में भी क्या क्या इन्होंने नया दिया है, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओबीडी एचडी करना है सर्च ब्लूटूथ, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर आ गया है। जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा तो वो डबल बीप साउंड करेगा और आप यहाँ पे वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं कि 12 से ऊपर जा नहीं रहा है डिवाइस के अंदर, वो खास करके ध्यान देना है। पैर, डिवाइस कनेक्टेड है, आवाज आई, ये लोडिंग लिख रहा है, लोडिंग के बाद HD OBD और EOBD, अपने को HD OBD में भी काम करना पड़ता है और EOBD में भी काम करना पड़ता है। तो HD OBD मैनुअल सर्च, फिर आप यहाँ पे इंजन कंट्रोल, इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक सब देख सकते हो आप। यहाँ पे फिलहाल फेल आएगा क्योंकि मैंने ट्रक का ECM कनेक्ट नहीं किया है। ओके,
ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको और डिटेल ट्रक के उसके बारे में। जैसे कि अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अशोक लेलैंड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा है व्हाट्स न्यू, मतलब नए अपडेट में अशोक लेलैंड का क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे एक पीडीएफ खुली है, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम क्या है, अशोक लेलैंड डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर, और अपडेट में मतलब कोई अपडेट नहीं आया है, जो कंपनी ने फर्स्ट अपडेट दिया है वही है। यहाँ से बैक करते हैं। ओके, अभी हम बॉस के अंदर जाते हैं, व्हाट्स न्यू। अब बॉस के अंदर आप देख सकते हो आपको 15 सिस्टम इंक्लूडेड दिया है नए में। ठीक है, EDC 1781, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा न्यू फंक्शन के अंदर पूरा इसका डिटेल्स लिख के दिया है। ये सब आपके उसमें नए आए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ आपकी बॉस की सभी गाड़ियाँ, मतलब महिंद्रा की सभी गाड़ियाँ इसमें कवर हो जाती हैं। और रीड फोल्ड कोड और क्लियर फोल्ड कोड का भी इन लोगों ने स्पीड बढ़ाया हुआ है, तो काम अच्छा करता है। लाइट ट्रक भी है, EDC 17, मतलब अपने ट्रक में EDC 16, EDC 15, EDC 17 आते हैं, तो आपने मोस्ट ऑफ स्कैन कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी आप देख सकते रहेंगे। अभी हम अपने खोलेंगे कमिंस, ये मैंने किया कमिंस को ओपन। कमिंस में क्या नया है वो हम देखते हैं। फिलहाल कमिंस में तो कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी काम सभी करता है ये कमिंस का। आपको मैं एक बार कमिंस के अंदर जाके दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक सिस्टम सिलेक्शन दिया, तो जब तक गाड़ी में कनेक्टेड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको टाटा इंडिया का दिखाता हूँ, टाटा हैवी ड्यूटी, ये देखिए टाटा में नया क्या दिया हुआ है। टाटा प्राइमा ABS सिस्टम, टाटा प्राइमा BCM, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ABS, फिर टाटा LCV EMS, मतलब इलेक्ट्रिक मॉड्यूल सिस्टम, फिर अल्ट्रा में भी दिया हुआ है। मैं सब आप टाटा का मोस्ट ऑफ सभी स्कैन कर सकते हो। और अब रहा आप जैसे कि आप आयशर को स्कैन कैसे करेंगे, आयशर की स्कैन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वॉल्वो में। ये रहा वॉल्वो HD, वॉल्वो HD में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम दिए हुए हैं, ECU का, ABS का। और हाँ, आप इसमें मेन चीज़ वो भी ABS का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ABS का ऑप्शन भी दिखेगा। ABS ये रहा HD ABS, HD ABS में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फंक्शन दिए हैं, तो वो मोस्ट ऑफ सभी गाड़ियों को सपोर्ट करता है। जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको को इन लोगों ने ठीक किया है, और विन नंबर ब्राइट का भी दिया है ABS के अंदर, लेकिन अपनी इंडियन कार्स में नहीं ज़रूरत पड़ती है, ट्रक में नहीं ज़रूरत पड़ता है। और स्पेशल फंक्शन बॉस ABS 9.0 के लाइन, और ये अपना डिवाइस के लाइन पे भी चलता है। ठीक है, न्यू फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमने ओवरऑल आपको बता दिया कि कौन सा चीज़ किसके अंदर स्कैन करना है, तो आपको एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। टाटा को टाटा हैवी ड्यूटी और कमिंस के अंदर स्कैन कर सकते हो, अशोक लेलैंड को अशोक लेलैंड के अंदर और कमिंस के अंदर स्कैन कर सकते हो, और OBD के HD के अंदर स्कैन कर सकते हो। अब बॉस का रहा, सॉरी महिंद्रा की गाड़ी थी, तो महिंद्रा में दोनों ACM आते हैं, एक कमिंस का भी आता है और बॉस का भी आता है, तो आप बॉस डीजल में भी कर सकते हो, कमीज में भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, हाँ, आइसर गाड़ी को भी आप वोल्वो के अंदर स्कैन कर सकते हो, और फिर महिंद्रा गाड़ी को, सॉरी भारत बेंज गाड़ी को मर्सिडीज़ बेंज के अंदर स्कैन कर सकते हो आप।
तो ये उनका क्या है, जो ईसीयू रहता है वो मोस्ट ऑफ सेम ही रहता है सभी। हाँ लेकिन यहाँ पे आप 16 फिन भी ऐड कर दिया हुआ है भारत बेंच में, ठीक है। ये ओवरऑल व्यू था, अभी कोई गाड़ी आएगी तो उसमें भी मैं वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। लास्ट में जाके आपको ये ऑप्शन दिखेगा, फिर यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री में मैंने फ़िलहाल सिर्फ कमेंट्स का चेक किया, तो कमेंट्स पे ओके करूँगा तो जो भी आया रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा इधर। और अगर आपके मेमोरी कार्ड में स्टोरेज नहीं है तो आप सेटिंग में जाके यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज के पे मेमोरी कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे लेकिन फ़िलहाल इंटरनल स्टोरेज 11 GB खाली है, वो बेस्ट है। और सिंपल चीज़, ये ट्रक का सॉफ्टवेयर फुल नहीं है, ये 70% टू 80% ट्रक में काम करता है और कार्स में 90% के ऊपर काम करता है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से इसमें कुछ और नया डालने का लगेगा तो मैं वो लेके आऊँगा और इसको उसका वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर सॉफ्टवेयर के लिए आप अलग ही टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं जैसे यहाँ से प्लग निकालता हूँ इजी ड्राइव का, यहाँ पे कंजप्शन जो है पावर का वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इजी ड्राइव 3.0 है और अपने पास गोलो थिंक गोलो की डिवाइसेस भी हैं और इजी ड्राइव भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं अपने पास। ये देखिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, 24 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और हाँ, कुछ बंदों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम इसके अंदर इंजेक्टर कोटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं इसका भी बता देता हूँ, आप सभी गाड़ियों में इंजेक्टर कोटिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही सभी गाड़ियों में कैलिब्रेशन की सेटिंग ने वो सब नहीं कर पाएंगे, आप कैलिब्रेशन वो नहीं कर पाएंगे। और टाटा में कर पाएंगे, वो भी जो नई गाड़ी एडिट की है उनमें, ठीक है। तो लेकिन ये मोस्ट ऑफ सभी रीड फोल्ड कोड आपका फोल्ड क्या है वो सब आपको बता देगा। और वैसे भी इंडिया में मैन्युअली वाली ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, कोडिंग की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है ट्रक के अंदर। और इसी से इसी लास्ट चीज़ पे हम ये बताना चाहते हैं, ये इजी डायरेक्ट डिवाइस है, डायरेक्ट ट्रक में ना लगाएं। अगर आप डायरेक्ट ट्रक में लगाते हो तो आपका डिवाइस फॉल्टी हो सकता है या फिर डिवाइस जल भी सकता है। तो 24 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर ज़रूर यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात, के लाइन वाला 24 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर यूज़ करें। हम यहाँ पे दोनों में वर्क कर सकते हैं, कैन और के लाइन, लेकिन सभी गाड़ियों में ऑप्शन नहीं होता है कि हम के लाइन में सॉरी कैन में स्कैन कर सकें, तो इसलिए कन्वर्टर ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अदरवाइज आपका डिवाइस वो उड़ा देगा। तो ये चीज़ की खास करके ध्यान दें, क्योंकि और अगर डिवाइस आपका बर्न हुआ तो वो कंपनी का फॉल्ट नहीं रहता है उसमें, वो आपका फॉल्ट रहता है कि आपने किस गाड़ी में लगाया हुआ है, तो उसमें आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो ये चीज़ खास करके ध्यान दें और यूज़ करने के टाइम पे खास करके रखें। और हाँ, अगर आप इसको 24 वोल्ट कन्वर्ट के साथ में ही लगा दें तो आप कार में भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रक में भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। जैसे मैं ये लगा दूंगा, अब मैं इसको कभी निकालूंगा ही नहीं, ये 24 वोल्ट के कन्वर्टर से, इस कन्वर्टर से मैं इजी डाइक कभी निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं ये अपना जो सॉकेट है वही कार में लगा लूँगा जाके और ट्रक में जाके लगा लूँगा, तो मेरा चलता रहेगा और कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और बाई चांस मैं भूलूंगा भी नहीं कि मेरे को 24 वोल्ट कन्वर्टर लगाना पड़ेगा वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें खास करके ध्यान देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। बाय दोस्तों।